ये आपके सामने माध्यिका का एक क्वेश्चन है जो कि बीकॉम के फर्स्ट ईयर का है। इसमें हमें करना ये है कि हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका में निकालने के लिए जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, ये सभी आपके ऑब्जर्वेशन हैं, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल क्या है, छात्रों की बुद्धि की परीक्षा के प्राप्तांक है। तो हमें करना क्या है, पहले इनको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो ये बढ़ते क्रम में आ गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको पहले ये देखना है कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं। यहाँ पर कितने, 16 छात्र हैं। 16 का मतलब होता है 16 आपका एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो हमें करना क्या है, सम संख्या के लिए हमें क्या करना है कि 16 को डिवाइड बाई 2 से करना है। कितना आया, 8 आया। तो हमें यहाँ पे आठवां अंक देखना है, आखिरा जो आठवां हमारा प्राप्तांक है उसे देखना है। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आठवां ले लिया हमने 50, और उसके आगे वाला हमने ले लिया 55। देखिए यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है, टोटल 7 है, और इस साइड में टोटल 7 है। यही तो बात है माध्यिका की। माध्यिका में क्या करना है, बीच वाले अंकों को लेके उनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 105, और 105 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 52.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, 20 विद्यार्थी के समूह में 8 विद्यार्थी परीक्षण फेल हुए। ओके, पास होने वाले 12 विद्यार्थियों के अंक निम्न प्रकार थे। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 12 विद्यार्थियों को, पहले इनको हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका बढ़ते क्रम में आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है, टोटल 20 बच्चे हैं। 20 भी क्या है आपका, एक सम संख्या है। तो हमें क्या करना होगा, सम संख्या के लिए हमें इसको पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना है तो ये कितना जाएगा, 10। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पर 20 विद्यार्थियों का पूछा है, न कि पास हुए विद्यार्थियों का। ये पास हुए विद्यार्थियों का नंबर्स हैं, हमें ये नहीं पता कि जो फेल हुए हैं वो उनके कितने मार्क्स हैं। तो हमें लेकिन ये तो पता है कि वो 8 से कम होंगे, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि वो फेल हुए और 8 आपका नंबर पासिंग में लिया गया है। तो उनके जो नंबर होंगे यहाँ पर आएंगे वो आपके फेल वाले मार्क्स हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 8 लोग हैं, ठीक, 8 लोग हैं, और मुझे कितने चाहिए, 10 लोग चाहिए। तो 8 इधर हो गया, 9, 10, 10 आपका ये हो गया, और अगले वाला भी ले लेना है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका 22 हो जाएगा, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या किया है कि इसमें 15 विद्यार्थियों का भार निम्न प्रकार है। माध्यिका ज्ञात कीजिए, यदि 45 किलो का भार 47 किलो से और 48 किलो का भार 26 किलो से प्रतिस्थापित किया जाए तो उनका नया माध्य क्या होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल चीज़ है। आपको एक बात का ध्यान रखना है बढ़ते क्रम में लिखने के बाद, कि माध्यिका में जब भी हम निकालते हैं यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर नंबर को चेंज कर दें। ये आपको पूरा नंबर दिया हुआ है और इसमें ये बोल रहा है कि हमें चेंज करना है। मैं काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। इसमें क्या बोला कि 28 किलो भार को हमको 26 किलो से कर देना है और 27 और 45 किलो को 47 किलो से कर देना है। हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 15 विद्यार्थी हैं, 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5। तो हमें दशमलव वाले से मतलब नहीं है, हमें 7 चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सातवां को छोड़ के जो रह जाएगा आपको बस वही लिखना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। इस साइड टोटल कितने हैं, 7 हैं, और इस साइड भी टोटल 7 हैं। हमें इन दोनों पर फर्क भी नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ भी कर दे, इस साइड दोनों भी कोई भी चेंजेस कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इसमें चेंजेस करता तो हमारे आंसर में कुछ डिफरेंस आता, नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, 36।